वेलकम बैक नाज़रीन, आज अगेन रमज़ान मुबारक का हमारा स्पेशल शो डॉक्टर मोइज़ लाउंज हफ्ते में 5 दिन आपके साथ, और आज हमारा टॉपिक है हराम कमाई। लेकिन पहले हम ऑडियंस से बात करेंगे, फिर हम अपने जो हमारे जो एक्सपर्ट है ना, जो जिनका शो है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, किसी ने आज क्या कमेंट किया था फेसबुक पे कि योर डॉटर डजंट द डॉटर डजंट लेट क्या फेसबुक पे नहीं था, वो यूट्यूब पे था। हाँ, यूट्यूब पे था कि वो आपकी बेटी जब आपको बोलने नहीं देती। हाय हाय, क्या करूं, मेरे कान में एक चीज होती है, इस पे जब आवाज आती है कि अब रुको, ब्रेक लो, ये करो। अच्छा, वो करो। आम लोगों को नहीं पता ना। हाँ, कि तुम्हें तो डायरेक्शन मिलते हैं। हाँ, कंट्रोल रूम से। तो आप लोग प्लीज मुझे इस तरह ना समझा करें ना, बाकी ऑडियंस भी होती है, मैं बोलती हूँ। अच्छा जी, आप लोग कुछ और बताइए, किसी और को कुछ कहना है? मेरा डॉक्टर मुझ से एक सवाल था कि अगर डॉक्टर अपनी टाइम से लेट आते हैं तो क्या उनकी कमाई हलाल है या हराम है? बताइए। गुड नाउ, अगर तो उनके पास कोई ऐसी रीज़न है जिसमें उनका इख्तियार नहीं है जी, जहां उनका इख्तियार नहीं है, ठीक है, तब तो वो मजबूर है इंसान। मगर अगर अपनी सुस्ती, काहली या किसी और वजह से, कहीं और बैठा हुआ है, तो फिर डेफिनेटली वो जो कमाई है वो हराम है। ये दफ्तर में भी है कि अगर 8 घंटे आप पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं 8 घंटे की, और काम आप 6 घंटे करते हैं, तो वो 2 घंटे के जो पैसे आपने लिए वो हराम है। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल है कि इसके अंदर दो किस्म के डॉक्टर आते हैं। एक तो वो होता है सरकारी डॉक्टर, जिसको सरकार तनख्वाह दे रही 8 घंटे की, और अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठा है। एक तो वो डॉक्टर है, और एक डॉक्टर कहीं तनख्वाह नहीं ले रहा लेकिन वो लेट आ रहा है फॉर एक्स वाई रीजन, बट वो उसी टाइम के पैसे ले रहा है जो वो टाइम दे रहा है, ठीक है, और वो कहीं से, तो फिर वो हराम भी नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर जो सरकारी कमाई लेके सरकारी हॉस्पिटल नहीं पहुंचता, प्राइवेट क्लिनिक पे रहता है, तो उसका क्या है? उसका तो फिर जो सरकार वाला है तो तुम्हें पता बड़ा खतरनाक है। तो मैंने बात की ना, अगर 8 घंटे की तनख्वाह आप ले रहे हैं और काम आप 6 घंटे करते हैं, तो 2 घंटे की तो तनख्वाह आपने ली है वो हराम गई। और हराम ऐसी चीज़ है कि हराम अगर हलाल में चला जाए तो हलाल को हराम कर देता है। अच्छा, एक मुझे बात बताएं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमिट करते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं, और वो कमिटमेंट को फिर फुलफिल नहीं करते लेकिन उसकी उजरत ले लेते हैं, और उजरत लेने के बाद या तो काम को डिले करते हैं या तो फिर मिक्सचर करते हैं काम करना। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, बहुत सारे पुल इस तरह गिर जाते हैं हमारे, लोग मर जाते हैं, प्लेन एविएशन वाले हो गए जो $20 का जो एक हिस्सा है वो $18,000 में बिकवाते हैं, या $800 की चीज़ $18,000 में बिकती है। तो इस सब चीज़ों का क्या है, मतलब सब हराम है, टोटल हराम है। बंदा अगर जायजा ले तो उसे तो मतलब मर जाना चाहिए शर्म से और इस फिक्र से, इस खौफ से कि वो खुदा के सामने जवाब कैसे देगा। मसला सिर्फ ये हो गया है कि माशरे के अंदर जब इतना ज़्यादा जवाल आ गया है, हमारे कैरेक्टर में, हमारे किरदार में इतना जवाल आ गया है कि यहाँ जिसकी मर्जी जो चाहे कहे, जिसकी मर्जी जो चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मैं रातों को हम लोग आते हैं, वन वे से आ रहे होते हैं लोग, ट्रैफिक से मोटरसाइकिल, रात को वन वे, कितना खतरा है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से किसी से एक सवाल पूछूं, आप प्लीज मैं जवाब दें इस बात का, कभी आपने किसी को हराम काम करते हुए देखा है और आपने ये सोच के छोड़ दिया, मैं बोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा, या मेरा बोलना बनता है नहीं बनता है, कभी इस तरह हुआ है आप लोगों की जिंदगी में? एनीवन, आप लोग? यस रुचि, ये तो एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सवाल इस लिहाज से हो गया कि आप एरिया वाइज पता चला है कि आपने हराम काम किस एरिया में करते हुए देखा किसी को। True. बड़ी सही बात की आपने, तो, हम भी किसी एरिया में बैठे हैं, आप इस बात ना करें इस वक्त। अब आप ये पता लगा लें कि आपको बात ऐसी कहनी पड़ेगी जो उसको भी हजम हो जाए और हमें भी जो है ना अपनी दिल की बात कहते हैं, तो मुनाफिकत तो थोड़ी सी अपनानी पड़ेगी इस कंडीशन में, कहना कि भाई सामने वाले को बुरा नहीं लगे और हम उस एरिया से बाहर निकल भी जाए, तो जरूरी है हराम काम करते हुए देखते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन एक ऐसा लगता है कि हम लोग इस चीज़ के आदि हो गए, हम लोग इस चीज़ के आदि हो गए, लग रहा है कि रूटीन का हिस्सा बन गया, रूटीन का हिस्सा बन गया है कि बेगम को अगर 100 रुपये लाकर दे रहा हूँ, डोंट माइंड यार, तो वाइफ है मेरी, तो अगर 100 रुपये ला के दे रहा हूँ, अगले दिन उसको 50 रुपये ला के दे दिए मैंने, तो वो लाजमी उसमें नाग मुँह चढ़ाएंगी। तो मैंने कहा ना, घर से इसलाह जब तक होनी है बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट है कि बेगम जो है वो जितने में ला रहे हैं उसमें गुजारा करे, तो वहाँ बाहर भी जो है ना फिर वो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो अमल करेगा, कोई ना कोई ना रोकेगा उसको कि भाई हराम कमा रहा है, कुछ ना कुछ तो थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी, एफर्ट डालनी पड़ेगी। अच्छा, अक्सर ये देखें, आपको लगता है कि एक तो हराम काम कर रहा है बंदा, और एक वो होता है जो हराम काम होते हुए देखता है और उसको पता है कि वो शख्स हराम कमाई है उसकी, लेकिन फिर भी या तो वो इम्प्रेस होता है या रोक नहीं पाता, तो ऐसे शख्स के जहन के लिए आप क्या करोगे? कहते हैं कि जब आप किसी बुराई को देखते हो तो अगर तो आपके पास ताकत है तो हाथ से रोको, अगर वो ताकत नहीं है आपके पास या इख्तियार नहीं है तो जबान से बोलो, अगर जबान से भी नहीं बोल सकते तो कम से कम इंसान अपने दिल में मुजम्मत करे, उस चीज़ को बुरा कहे, बुरा समझे,
और बुरा सोचे उसके बारे में। जब एक चीज़ को आप बुरा सोचेंगे तो इवेंचुअली आप में वक्त आएगा, इतनी हिम्मत आएगी कि आप बोल सकेंगे, बोलने के बाद वक्त आएगा कि आप रोक भी सकेंगे। तो डेफिनेटली अगर रोक नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो जहन के अंदर मजम्मत जरूर करो इस चीज़, कंडेम जरूर करो। अच्छा जी, आप लोग जो आगे बैठे हैं आप लोग भी कुछ बोलें, आप लोग चुप बैठे हैं इतना। कभी ऐसा भी होता है कि आपका नाम सर शाहिद नाम है, शाहिद, ऐसा भी होता है कि बाज़ोकात हम किसी इदारे में किसी काम के लिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने जाते हैं, तो रिश्वत के बगैर कोई काम ही नहीं होता वहाँ, ऐसा भी होता है, कहते हैं रिश्वत, इसलिए ऐसा ही होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रिश्वत लेने वाला भी जहन्नुमी और देने वाला भी जहन्नुमी। तो जो ले रहा है वो तो हराम खा रहा है, जो दे रहा है शायद उसकी हलाल की कमाई है, लेकिन देते हुए एक तो उस कमाई का क्या होता है, और दूसरा ये कि उसको देनी पड़ती है वरना बेचारे का काम ही नहीं होगा। बड़ा मुश्किल वैसे सवाल आपने किया है, क्योंकि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आलिम नहीं हूँ कि इसका जवाब दूँ, मगर एक कॉमन इंसान के तौर पे मैं देखूँगा कि परवरदिगार को पता है कि कहाँ आप मजबूर है कहाँ आप मजबूर नहीं है। अगर आपका दिल तो मजम्मत करता है मगर आप मजबूर है क्योंकि वो बाख्तियार बैठा है, आपका एक जायज़ हक है वो नहीं दे रहा, कोशिश करें बगैर रिश्वत के चला सके, नहीं तो फिर कम से कम आपको तकलीफ़ ज़रूर होनी चाहिए कि मैंने ये गलत अमल किया है, क्योंकि ये तकलीफ़ ही आपको आइंदा रोकेगी। अगर ये तकलीफ़ ख़त्म होगी ना तो फिर तो ख़त्म, बेहिस हो गया। जैसे माशरे में बेहिसी आज बिल्कुल आम है, क्योंकि वो तकलीफ़ जो अंदर थी और आवाज़ जो थी हमारे ज़मीर की उसको हमने सुला दिया। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अब यंगस्टर्स पीछे बैठे हैं, आप लोग मुझे बात बताइए, आप लोग अभी इस उस मरहले में ज़िंदगी जहाँ पे भी आगे जाके अपनी ज़िंदगियाँ डिसाइड करनी है, आपने डिसाइड करना है कि हमें कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है और किस तरह कमाना है, तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस क्या है? सिर्फ पैसा सक्सेस है कि लेजिटिमेट पैसा सक्सेस है? आजकल ये जैसे लोग देख रहे हैं, जैसे नज़र आ रहा है कि आजकल आप ये देखें कि कोई नॉर्मल बंदा होगा, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा वैसे वो इस्लामी होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो हम लोगों की नज़र में आइडियल नहीं बन पाता। आइडियल आजकल लोगों की नज़र में वही बनता है जिसके पास पैसा है, गाड़ी है अच्छी, अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, तो वही हम लोग यानी अक्सर जो होते हैं बच्चे देख के वही आगे बढ़ते हैं कि यार ये है, ये अच्छे हैं, इनके पीछे चले, अब वो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अब वो किसी भी फील्ड में हो, बच्चे सब हम सब उसी के पीछे लगे आते हैं। सही, तो आपके जहन में सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है? अगर मैं आप लोगों से किसी और साहब से पूछूं सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है, क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं सक्सेस, कोई बात नहीं यार, वहां से आप यंगस्टर्स आप बताइए सक्सेस क्या है, आप बताइए कामयाबी क्या है। चले सब छोड़ो, एक्सपर्ट भाई आप ही बता दे। अब जी जी, इनको माइक ले। हमारे कामयाबी ये है कि हमें सबसे पहले अपनी इस्लाहियत की तरफ जाना पड़ेगा, अपने अंदर के जो बेहिसी का जो मादा हमारे अंदर तैर रहा है, हमारे खून में जो शरारत कर रही है, उस चीज़ के मादे को ख़त्म करना पड़ेगा। और हकूकुल इबाद, एक दूसरे के एहतराम, इंसानियत का एहतराम, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि मैं हर चीज़ माफ़ कर सकता हूँ लेकिन हकूकुल इबाद जिसका दिल दुखा है वही माफ़ कर सकता है। लेकिन आज हमारा माशरा तो भरा पड़ा है, आज जिस तरफ जाए हर आदमी का दिल दुखा है। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं आपके, हाँ जी, दिल दुखाना बंद कर देंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, एहतराम इंसानियत की तरफ रवा होंगे तो हमारे दिल बड़े होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारा माशरा खुद इंशाल्लाह। बात तो बड़ी डिटेल में उन्होंने समझा दी, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा अगर और भी मैं आपसे पूछूं कि एक लेमैन के लिए, क्योंकि दिस प्रोग्राम इज़ बीन सीन बाय एवरीवन, सो एक वो बच्चा जो आज अपनी सक्सेस को अपने जहन में डिफाइन कर रहा है, एक वो बच्चा जिसको पता ही नहीं सक्सेस की, और एक वो आदमी जो सक्सेस के उस मेहार पे कि शायद उसका बहुत सारा पैसा है और कुछ ऐसे हैं जिसका पैसा नहीं है, तो आप मुझे बताएं सक्सेस क्या है? पहली तो बात ही पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, नहीं वो तो अच्छी, बल्कि रिस्क हलाल तो ऐन इबादत है, राइट। अब यहाँ पे एक तस्वीर ये आ गया है कि एक ग्रुप ऐसा है जो पूरी सिर्फ दुनिया की तरफ है, एक ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ दीन की तरफ है, जबकि हमारा दीन एक बैलेंस की बात करता है। परवरदिगार से हम दुआ करते हैं ना कि परवरदिगार मेरी इस दुनिया और मेरी आखिरत दोनों को बेहतर बना, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना। तो इसका मतलब ये कि दुनिया में भी हमें, वैसे तो मुसलमान की बात करो, दुनिया में भी कामयाबी हासिल करनी है, और वो कामयाबी इस तरह हासिल करनी है कि उसका कनेक्शन आखिरत के साथ हो। ठीक, हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि हम जिस कामयाबी की बात कर रहे हैं उस, देखें हर एक्शन के रिएक्शन या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, अच्छे काम के अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे काम के बुरे कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका मतलब है अगर हलाल की कमाई की तरफ जाएंगे तो इवेंचुअली आपका रिस्क तो आपकी तरफ पहुंचेगा ही पहुंचेगा।
मगर साथ जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आखिरत में आपके लिए फायदा। अच्छा, एक सवाल मुझे आपको और भी है, लेकिन हमारे साथ अभी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, उनकी उनसे हम पहले बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे को शुरू से ही हराम और हलाल का नहीं समझाया जाए तो उसके लिए क्या है, जिसको बताया ही नहीं गया ये फर्क। लेकिन पहले हमारे साथ एक कॉलर है, मोहम्मद अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मोहतरम जनाब डॉक्टर मनी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत खूबसूरत जा रहा है। मुख्तलिफ टॉपिक रमजान मुबारक में सामने आ रहे हैं और हमें इस्लाह करने का मौका मिल रहा है, और लेकिन आज के टॉपिक में भी और तलब भी नहीं बल्कि संजीदगी से समझकर इससे परहेज करना इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल सही। क्योंकि हराम की कमाई जहां हमारी सेहत पर असर अंदाज होता है, वहीं मुआशरे की बिगाड़ का बायस भी है। हराम की कमाई को दिल की तस्कीन के लिए मुख्तलिफ नाम दे दिए हैं, करप्शन को कमीशन का नाम दे दिया है, ऐज़दा चीज पर लेबल लगाकर तस्वीर का नाम दे दिया है, किसी की हक तलफी को अपना फन करार दे दिया है, धोखादही को मिशन समझ लिया है। ये ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे मौजू हैं जिनसे जितना भी बचा जाए कम है। एक जमाना था जब हमारे इतनी तरक्की नहीं थी, तो शाम का वक्त हो गया, मुझे किरदार तो याद नहीं है लेकिन थोड़ा सा वाक्य याद आ रहा है कि शाम का वक्त हो गया तो दुकान बंद करना शुरू कर दी। तो दूसरे ने पूछा, भाई अभी तो थोड़ा सा दिन है, दुकान क्यों बंद करें? तो फरमाने लगे कि अंधेरा हो रहा है और मुझे डर है कि इस अंधेरे से कहीं किसी को कोई चीज गलत ना चली जाए, कोई चीज धोखाधड़ी से ना चली जाए, ताकि मुझे कोई क्लेम ना आ जाए, इस वजह से मैं दुकान को जल्दी बंद कर रहा हूँ। अगर यही जहन हमारे हम सब में आ जाए, यही सोच हम सब में आ जाए, तो यकीन जाने ये जो हराम का सिस्टम है ये बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। डू यू थिंक दैट हराम कमाई हैज अ चेन रिएक्शन? लेकिन ये पूछूंगी उससे पहले, मैं आपसे जो मेरा सवाल था अभी, जिससे पहले मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका क्या जवाब है कि एक बच्चा जो फॉर एग्जांपल पैदा होता है जब, तभी उसके लिए आपने कहा 200 सॉफ्टवेयर उसके अंदर होते ही होते हैं और बाकी सब वो माशरे से सीखता है, एक वैसी जगह पैदा होता है जहाँ हराम और हलाल की कोई तमीज़ ही नहीं, वो चीज़ बताई नहीं गई कभी, तो क्या उसके जहन में फिर हराम क्या है? देखिए, एक तो ज़ाती तौर पर हराम और हलाल का फ़र्क होता है जो आपकी तालीम और आपका माशरा आपको बताता है। एक चीज़ ऐसी होती है जो अल्लाह की तरफ से आती है, ठीक है, अल्लाह का हुक्म और माशरे के हुकूम में जब कभी मवाजना होगा तो हमेशा अल्लाह का हुक्म जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मानना ज़रूरी है। मगर दुनिया में जितने भी मालिक हैं उसमें कुछ यूनिवर्सल चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मुल्क ये नहीं कहता, किसी मुल्क के कानून में ये नहीं है कि चोरी जायज़ है, किसी मुल्क के कानून में नहीं है, रिटेन। तो कुछ यूनिवर्सल वर्च्यूज़ हैं और वो दुनिया के अंदर तमाम मजाहिब और तमाम मुल्कों में, तमाम माशों में एक ही है। चलिए, अब हम आएंगे वापस तो हम और ही डिटेल में बात करेंगे कि हराम कमाई जो है वो हजम क्यों नहीं होती, क्यों, मतलब खाना वही होता है, हाजमा वही है, लेकिन फिर ये क्या सेंटेंस है कि हराम हजम नहीं होगा कभी, और कहीं ना कहीं से निकलेगा, तो वो कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है और क्यों हजम नहीं होता, ये जानेंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉक्टर मोइज़ लाउंज।